हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइस, आज अपन एक और नया सोलो बनकर गेम प्ले देखे वापस। और भाई लोग, ये वाला गेम प्ले रैंक 17 पे खेला गया है और फिलहाल ये वाले कंपाउंड पे मैं कूद जाता हूँ। और आमतौर पर ये जो कंपाउंड होता है भाई मिडिल में, ये किसी न किसी का एड मतलब ड्रॉप लोकेशन होता ही है। और मैं कूद जाता हूँ भाई बिना फिक्र किए। और तुम लोग काफ़ी डरते होंगे कि भाई क्या पता किसी और बंदे का ये ड्रॉप लोकेशन होगा तो फाइट फाइट हो जाएगी। तो भाई डरने का नहीं, सारा मैप ही अपना है। अब ऐसे डरने का, जो नए नए प्लेयर होते हैं वो डरा करते हैं। और तुम तो बहुत ही डेंजरस प्लेयर हो भाई, काफ़ी टाइम से खेल रहे होंगे। अब उसके बाद वो वाला कंपाउंड लूटता हूँ तो यूजी और एके मिल जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती वहाँ पे। तो मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ चलते चलते पैदल, और मुझे सामने मतलब आगे जाके एक बग्घी मिल जाती है। अब ये वाले बग्घी उठा के मैं सामने वाला जो घर था, कंपाउंड था, ये वाले चेक कर लेता हूँ कि कोई बंदा है तो नहीं। और यहाँ पर कोई बंदा था नहीं, तो जस्ट वेट करता हूँ मैं और कैंप करता हूँ। इनफैक्ट क्या बोले यार, कैंपिंग ही तो होती है मतलब सोलो में। और ज़्यादा होशियारी मारोगे, इधर उधर रश करोगे तो माइनस ये होगा और प्लस ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई, अटलीस्ट मतलब किल हो जाओगे तो भाई। और प्लस की सीन में बोलूँ ना भाई, ये वाले मैच में पता नहीं क्या सीन हो रहा था भाई, जितने मैं किल करता हूँ ना उससे तो कम ही प्लस मिलता है। और चिकन डिनर का जो भाई आगे जाके तुमको पता पड़ जाएगा। और जब मैं जा रहा था अभी एयर ड्रॉप लूटने, तो यहाँ पर ये गाड़ी वाला मुझे दिख जाता है। मैंने सोचा भाई गाड़ी भिड़ा देते हैं और फाइट लेते हैं, लेकिन ये भाई मतलब फाइट लेने के मूड में नहीं था, जस्ट ड्रॉप लूटने आया था भाई। पूरा मैच में ये ड्रॉप लूटने का काम करेगा। और देखो ये वाला बंदा सीधा जाता है अभी ड्रॉप पे, और वहाँ पर ऑलरेडी कोई बंदा लूट चुका है जो कि फायर भी कर रहा है अभी M4। और मुझे एक और बंदा ये दिख गया जो कि भाई मतलब ज़्यादा देर टिका नहीं वहाँ पे। और देखो वहाँ पर जो डासिया वाला बंदा था वो भी निकल चुका है, वो आएगा सीधा मेरी तरफ। अब यहाँ पर मैंने क्या ही खतरनाक स्प्रे दिया भाई, क्या बोल सकते हैं भाई, होता है भाई। अब हमेशा ही प्रो वाला स्प्रे नहीं दे सकते। अब इसके बाद ये वाले बंदे की तरफ मैं फाइट लेने जाता हूँ, टकराओ भाई गाड़ी, लेकिन नहीं, वो मतलब फाइट लेने के मूड में था ही नहीं ये वाला बंदा। तो मैंने कहा छोड़ो, मतलब ज़बरदस्ती फाइट लेना कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तुम्हें ये वाला बंदा देखो। और किल हो जाता है ये बंदा, मतलब वहाँ पर अच्छा खासा कंपाउंड था, हिल विल मतलब फायर तो डैमेज मैंने नहीं दिया था, फिर भी थोड़ा बहुत कवर था उसके पास, वहाँ होल्ड कर लेता, लेकिन नहीं, इसको घेड़ियाँ मारनी थी। तो गाइस अभी तक हमारे बहुत ज़्यादा किल तो नहीं हो रहे, लेकिन आगे आने वाले समय में तुमको बहुत ही हेवी किल देखने को मिल जाएंगे। अब मुझे दिख जाता है एक एयर ड्रॉप, और एयर ड्रॉप यानी कि मतलब थोड़ा बहुत लालच, बहुत सारे बंदे यहाँ पे आ जाएंगे और हम उनका फ़ायदा उठा के किल उठा सकते हैं। तो भाई इसी उम्मीद में मैं यहाँ पर आ चुका था, और देखो आगे क्या होने वाला है। अब ये बंदा जब मैं बग्गी लेके आ रहा था ना, इसने मुझे स्पॉट कर लिया, और वहाँ पर ही एट द मोमेंट मतलब क्या बोले यार, मौके पे ही उसने अपनी गाड़ी रोक के मतलब फायर देने का सोचा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कवर में आ गया था। और इसके मतलब लेने के देने पड़ गए किल होने के साथ साथ। यहाँ देखो भाई, जैसे मैं बग्गी लेकर निकल रहा था, सामने बंदा, अब इस बंदे के पास अच्छा खासा कवर था नहीं, और क्या करे भाई, गाड़ी के अलावा इसके पास कोई रास्ता था नहीं। गाड़ी में बैठ के निकल नहीं रहा था कि ये लॉबी में पहुंच गया। अब इसके बाद देखो भाई, अब ये बंदे ने ऑलमोस्ट मुझे किल ही कर दिया था, जस्ट मैंने थोड़ा बहुत क्राउच किया और जिसकी वजह से मैं बच गया। अब यहाँ पर तुरंत जंप करके हील कर लेते सबसे पहले, और यहाँ से निकलना पड़ेगा कि इससे पहले और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी करने वाले बंदे आ जाएं। तो गाइस यहाँ पर मुझे थोड़े ही टाइम स्टांस में 3-4 किल मिल गए हैं, और एक एड्रो भी मिल गया। तो भाई लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट और भाई M249 मिल जाती मुझे यहाँ से। तो गाइस इसके बाद मुझे जस्ट वेट करना रहेगा अगले जोन्स का। और यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा था कि एक पीछे से साउंड आता, भाई डासिया थी या गाड़ी थी कोई भी कुल मिला के। अब मैं जस्ट मतलब सीधा नहीं जा सकता उस बंदे पर। और यहाँ पर मैं देखूँ तो भाई जोन आ रहा था और ये बंदा दिख जाता मुझे, जिसका किल ये वाले बंदे ने जो मेरे सामने इसने चुरा लिया। लेकिन
था क्या असल में, ये देखो भाई मेरा पिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हुआ था, तो मैंने कहा इस बंदे से फाइट लेना सही नहीं रहेगा, क्या बता वो बंदा मुझे किल भी कर दे और यहाँ से मैं फूट लेता हूँ, क्योंकि भाई पिंग तो फ्लक्चुएट होता रहता है। और इतने में भाई अगला जोन भी बन जाता है जो कि बना था इस ब्रिज के उस पार, तो भाई ये वाला ब्रिज क्रॉस करना सही, मतलब मैंने सोच लिया क्रॉस कर लेते जब तक कि कोई बंदा कैंपिंग ना बिठा ले, और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये बंदे ने कैंपिंग बिठा लिया था और इसने फायर नहीं किया, अच्छी बात रही हमारे लिए। अब इसके बाद ये वाली रिज पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बस देखते जाओ कैसे फ़ायदा उठाते हैं हम इस मतलब जगह का। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी तरफ से हमको कवर भी है और मतलब एक ना एक जगह से हमको फायर पड़ सकता है जो कि पीछे की तरफ से, पर सामने की तरफ फाइट हुई भाई गाड़ी वाड़ी से किसी ने कुचल दिया है, तो मैंने सोचा ऐसे ही रेंडम ग्रेनेड कर दिए जाए और अंधाधुंध में ग्रेनेड कर देता हूँ बहुत सारे। लेकिन भाई बंदे का कुछ नहीं होता है और मैं वापस से आ जाता हूँ ये वाली जगह पे जब तक कि जोन और भी क्लोज नहीं हो जाता, क्योंकि भाई बंदे पता नहीं कौन कौन सी पोजीशन पे, मैं जस्ट अपना गाड़ी एक अच्छा कवर में लगा ही रहा था कि देखना क्या होता है। सामने वाले स्नाइपर टावर में एक बंदा ऑलरेडी अराइव हो चुका था और उसने कैसा फायर दिया भाई पता नहीं, 40 है या 50, मतलब बच गई ये सही बात हमारे लिए। और उसके बाद ये जा रहा था भाई जोन के अंदर एक जगह ढूंढने, लेकिन अभी ये लोबी में जगह मिल गई है इसको बहुत ही रिजर्व, और देखते जाओ ये सामने जो बंदा है ना मेरा किल फिट देख के जान जाता है कि ये हम है और जंप करने लग जाएगा, देखना अभी। तो चलो ये वाला बंदा अपना फेन निकला और भाई बहुत मतलब हर लोबी में बंदे मिल ही जाते भाई जान पहचान के, तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जानते लोग। और ये देखो भाई पीछे की तरफ एक यमदूत बैठा हुआ था जो अभी किल हो चुका है भाई, जस्ट वेट कर रहा था ये पता नहीं क्या करता, मतलब इसने फायर भी नहीं किया और आ भी नहीं रहा था जोन में, अभी किल हो गया कुल मिला के। तो ये वाले भाई आ जाते, अब ये दूर था ना भाई, क्या सीन हो गया इसके साथ, दूर था तो भाई कपड़े थे, अब पास आ गया तो नंगा वंगा हो गया, ये सीन क्या चल रहा है भाई, नहीं नहीं दूर रहो यार। अब यहाँ पर क्या सीन होता है बस देखते जाओ, कि यहाँ पर साउंड अपना चले जाता है भाई जब इससे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ ऑल पे, तो यार काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ऑल पे करो भाई, कुछ ना कुछ सोच समझ के करा होगा मैंने, तो छोड़ो अब यहाँ पर पूरे गेम की साउंड चली जाती है, तो इस इनकन्वीनियंस कर लिया भाई कृपया करके हमें माफ़ करें। तो मैंने कहा उस बंदे को भाई तू बस सोया रहे, गन वन तो तू लाया नहीं है, पीछे बग्गी की तरफ जस्ट कवर में लेटा रहे और आगे का मैच में खेलता हूँ मैं, बस बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। और ये वाली जगह पर मैं देखूँ तो भाई पीछे की तरफ से ये कौन है, ये तो बंदा है भाई, मैं सोचा कि ये बग्गी का कुछ ना कुछ हिस्सा है तो मैंने जस्ट इग्नोर कर दिया था पहले, लेकिन ये वाले बंदे ने थोड़ी बहुत डील दी भाई, इसने सोचा मैं थोड़ी देर स्टेबल होऊंगा तब किल करेगा, लेकिन इससे पहले ही भाई किल हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद देखें तो भाई जोन जो सामने बंदे उनकी तरफ से हटने वाला है और क्लोज इन होने वाला है कुल मिला के, तो सामने वाले बंदों ने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया, पीछे देखा तो भाई ये बंदा जोन में आने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी किल हो चुका है, और पीछे से भी ये वाले बंदे ने भाई रश करने का सोचा था गाड़ी के साथ, लेकिन अभी किल हो गया है। तो अब बचे बंदे भाई चार और तीन बचे, अभी सामने जो धुआं निकला है वहां की तरफ से एक बंदे ने किल कर दिया, स्पॉट करने की कोशिश करता हूं लेकिन कोई बंदा मतलब कहाँ है घास में भाई, मतलब जबरदस्ती मत किया करो भाई, घास में स्पॉट करके मार दूंगा मैं उसको, भाई थोड़ी देर वेट करता हूँ मैं। और वो बंदे ने भाई स्मोक करने का सही सोचा और जोन में भी आ जाता वो, और आगे उस बंदे को मैं किल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ भाई देखते जाओ। अब यहाँ पे मुझे वो बंदा गाड़ी के पीछे बहुत अच्छा कवर था उसको स्पॉट हो जाता है और किल भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बचा बंदा था ये जंपिंग झपा कर रहा है, तो अब मैंने इस बंदे को कहा भाई पेन वेन उठा लो जो डब्बे हैं उसमें से और अपन करेंगे पेन फाइट। तो ये वाला बंदा ना मतलब बहुत चालाक है, इतना चालाक ना कि तुम खुद देख लो भाई,
अब यहाँ पर भाई को दो शॉट लग गए तो भाई ने जंप करना स्टार्ट कर दिया और हीलिंग की मांग कर रहा हो। इसके बाद जो डब्बे थे ना वहाँ से हील उठा के ये हील भी कर लेता है और आगे मेरे साथ क्या स्कैम करेगा तुम देखते जाओ भी। तो ये देखो भाई, इस भाई ने अपने को किल भी कर दिया है और हमको हिल विल करना था नहीं। ऑलरेडी भाई 35 मिनट के आसपास ही मैच हो गया था। तो गाइज ये वाला गेम प्ले अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो यार। और अपन मिलते हैं एक और नए सोलो कॉन्कर गेम प्ले में, तो चलो यार बाय।